हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, जेपीएससी मेंस क्लासेस के तहत, जेपीएससी सीडीपीओ प्रीलिम्स के क्लासेस के तहत जो है आप सभी को बहुत सारी क्लासेस दी गई है, और आज का जो विषय है वो है जैन रिलीजियन काउंसिल्स और लिटरेचर। इससे पूर्व हम लोगों ने बुद्ध जो संगतियाँ हैं, काउंसिल्स हैं और लिटरेचर को लेकर के अध्ययन किया था। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। जैन धर्म का जो प्रारंभ या जैन आंदोलन के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो है ऋषभदेव या आदिनाथ, भी उन्हें कहा जाता है। जैन धर्मों के जो 23वें तीर्थंकर थे, कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में, उनमें जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी का सीधा संबंध जो है झारखंड के साथ है। याद रखिएगा, झारखंड का जो सर्वोच्च पहाड़ी है जिसे पारसनाथ पहाड़ी या समेत शिखर कहते हैं, इसी पहाड़ी पर पार्श्वनाथ जी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। इसके साथ साथ ऐसा माना जाता है कि 24 में से कुल 20 तीर्थंकर को जो है यहाँ निर्वाण प्राप्त हुआ है। जैन धर्मों के दृष्टिकोण से ये पारसनाथ पहाड़ी जो है बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसके अलावा झारखंड में जो मेन्स दे रहे हैं, जेपीएससी का मेन्स दे रहे हैं, वो ये भी जोड़ सकते हैं कि चतरा का जो ईटाखोरी है या कोलवा पहाड़ी है, वहाँ भी जैन धर्मों के हमें प्रमाण प्राप्त होते हैं, और साथ में जो है 10वें तीर्थंकर शीतनाथ जी का भी संबंध प्राप्त होता है। तो इन टॉपिक्स को देने से जो है आप जैन धर्म जब लिखेंगे तो उनके साथ साथ झारखंड वाले टॉपिक को भी जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए, जैन धर्मों का जो सर्वाधिक प्रसार हुआ वो 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर के समय में हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, वर्धमान महावीर जी के प्रारंभिक जीवन को लेकर के थोड़ा चर्चा करेंगे। चलिए, तो महावीर के प्रारंभिक जीवन 599 ईस्वी पूर्व जो है वैशाली के कुंड ग्राम में महावीर का जन्म हुआ। इनके पिता कौन थे, तो सिद्धार्थ ग्रात्रिक कुल के क्या थे, प्रधान थे, और इनकी माता त्रिशला जो है लिच्छवी कुल प्रमुख चेटक की बहन थी। अगर आपको याद होगा, चेटक की पुत्री चेलना का विवाह, चेटक की पुत्री चेलना का विवाह किसके साथ हुआ था, बिंबिसार के साथ हुआ था। इस प्रकार जो है महावीर जो है बिंबिसार और अजातशत्रु अर्थात मगध शासकों के साथ उनका संबंध प्राप्त हो रहा है माता के दृष्टिकोण से, ठीक है। चलिए, इसके साथ साथ उनकी पत्नी का नाम क्या था, उनकी पत्नी का नाम जशोदा था, उनकी एक पुत्री हुई जिसे अयोजना या प्रियदर्शना कहते हैं, और जमाता कौन थे, तो जमाली। माना जाता है कि जमाली बाद में जो है महावीर के शिष्य बने, लेकिन उनके द्वारा जो है महावीर के विरुद्ध में जो है क्या किया गया था, विद्रोह भी किया गया था। चलिए, वर्धमान महावीर ने 30 वर्षों तक जो है आयु में अपना गृह त्यागकर 12 वर्षों तक जो है कठोर तपस्या किया, और उसके बाद जिरम्बिक गाँव के रिजू पालिका तट के तट पर साल वृक्ष के नीचे जो है उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्हें क्या कहा जाता है, केवलीन कहा जाता है, या जिन कहा जाता है, अहर्त कहा जाता है, या निग्रंत कहा जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ इस दौरान उनका जो भेंट हुआ था आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मोखलीपुत्र गोशाल, ये उनके प्रथम शिष्य थे, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई थी और मोखलीपुत्र उनके साथ रहे, लेकिन बाद में उन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। चलिए, अगर हम निर्वाण की बात करें तो 527 ईस्वी पूर्व 72 वर्ष की आयु में राजगृह के निवट पावा में उनको निर्वाण प्राप्त हुआ। कुछ स्रोतों में 468 भी दिया जाता है। तो महावीर को निर्वाण जो है 587 ईस्वी पूर्व में पावा में हुआ। 72 वर्ष की उम्र तक जो है इस दौरान उन्होंने अपनी शिक्षाएं दी, उन्होंने संघ का भी निर्माण किया, इसको लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, तो महावीर की शिक्षाएं पार्श्वनाथ जी के द्वारा 4 शिक्षाएं दे दी गई थी पहले से ही, अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, लेकिन महावीर ने इनमें जो है ब्रह्मचर्य को भी जोड़ दिया। महावीर की इन शिक्षाओं को क्या कहा जाता है, तो पंच महाव्रत कहा जाता है। एक बार फिर से याद रखिएगा, ईगल आईएएस द स्टडी जोन में ज्वाइन करना ना भूले। यहाँ झारखंड पीसीएस के तहत, जेसीसी सीजीएल के तहत एवं जेपीसी सीडीपीओ के तहत तो क्लासेस दी जा रही है आप सभी के लिए। चलिए, तो याद रखिएगा महावीर की जो है 5 महत्वपूर्ण शिक्षाएं, जिनमें अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें पंच महाव्रत भी कहा जाता है। इसके अलावा महावीर ने गृहस्थों के लिए जो है 5 अनुव्रत जैसी शिक्षाएं भी दी है। आगे बढ़ते हैं, स्याद बाद और सप्तभंगनी, ये जो है सबसे प्रमुख सिद्धांत माना जाता है और इस पर प्रश्न भी पूछा जाता है। तो स्याद बाद या सप्तभंगनी क्या है, इसे जो है ज्ञान के सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है, और इस सिद्धांत के अनुसार हम किसी भी नियम को किसी भी डिसीजन को ना तो पूरी तरह से स्वीकार कर सकते हैं और ना ही अस्वीकार कर सकते हैं। हम जिस विश्व में रहते हैं वहाँ जो है किसी भी निर्णय पर पूर्ण रूप से क्या अडिग नहीं रह सकते और ना ही पूर्ण रूप से अस्वीकार कर सकते हैं। तो
ना ही पूर्ण रूप से स्वीकार किया जा सकता है, पूर्ण रूप से अस्वीकार किया जा सकता है, इसके बीच में ही हमें रहना पड़ता है। तो इसे ही कहा जाता है ज्ञान के सापेक्षवाद या सप्तभंगनीय या स्वैतवाद का सिद्धांत। चलिए महावीर के शिक्षाओं की अगर चर्चा करें तो सारे शिक्षाओं को नहीं, यहाँ पे कुछ शिक्षाओं को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद को मानते थे एवं उनके उनके अनुसार जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है वो क्या है, केवल या मोक्ष की प्राप्ति है। केवल या मोक्ष की प्राप्ति ही जो है इस धर्म के अनुसार क्या है ना, सबसे अंतिम लक्ष्य है किसी भी व्यक्ति का। मोक्ष के लिए जो है क्या दिया, यहाँ त्रिरत्न का उपदेश दिया गया। त्रिरत्न क्या है, समय का दर्शन, समय के ज्ञान और समय का चरित्र, ये त्रिरत्न दिया गया। और इन त्रिरत्नों को फॉलो करने से जो क्या होगा ना, केवलिन या मोक्ष को प्राप्ति हो जाएगा कोई भी किसी भी व्यक्ति को। चलिए, महावीर ने अपने जीवन काल में 11 अनुजाइयों को लेकर एक संघ काव्य निर्माण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हमें याद होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आप सभी को याद होगा कि एक 12 वर्षों का भयंकर अकाल पड़ा था और उस समय वे भद्रबाहु के साथ कहाँ चले गए थे, तो कर्नाटक के श्रवण वेलगेला चले गए थे। और इस दौरान जो है स्थूल भद्र यहाँ रह गए थे। इसके साथ साथ ही जैन धर्म में दो संप्रदाय, जब भद्रबाहु वापस आते हैं तो भद्रबाहु और स्थूल भद्र में मतों में भिन्नता आ जाती है और जैन धर्म में दो संप्रदाय, जैन धर्म में जो है दो संप्रदाय का निर्माण होता है। पहले को हम लोग कहते हैं श्वेतांबर और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, दिगंबर। श्वेतांबर वे हैं जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, उन्हें श्वेतांबर कहते हैं। दिगंबर वे हैं जो नग्नता को स्वीकार करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, दिगंबर कहते हैं। चलिए अब बात करेंगे जैन संगति को लेकर के। जैन संगति को लेकर अगर हम बात करते हैं तो प्रथम संगति 322 ईस्वी पूर्व स्थूल भद्र के नेतृत्व में पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था, जहां जैन धर्मों के 12 अंगों का संकलन किया गया। तो स्थूल भद्र के नेतृत्व में जो कि संभूति विजय का शिष्य थे, तो संभूति विजय और भद्रबाहु ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो गणसंघ बना था उस गणसंघ का अध्यक्ष था। संभूति विजय के बाद स्थूल भद्र अध्यक्ष बना और जब भद्रबाहु दक्षिण से वापस आया तो उस समय दोनों में मतभेद हो गए और फिर जो है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद जो है क्या किया गया, चंद्रगुप्त मौर्य के समय काल के दौरान मृत्यु के बाद जो है क्या किया गया ना, आयोजित किया गया प्रथम संगति का। और जो वर्धमान महावीर को जो शिक्षा है उनका क्या किया, स्थूल भद्र के द्वारा संकलित कर दिया गया। तो 12 अंगों का जो है संकलन किया गया, ठीक है। चलिए इसके साथ साथ द्वितीय संगति का आयोजन कब हुआ, 6 शताब्दी के पूर्वार्ध में देवर्थी क्षमा समन के नेतृत्व में जो है गुजरात के बल्लभी में द्वितीय जैन संगति का आयोजन किया गया था। तो बुद्ध धर्म में 4 संगतियों का आयोजन किया गया था लेकिन जैन धर्म में 2 संगति आयोजित की गई थी, एक तो 322 ईस्वी पूर्व स्थूल भद्र के नेतृत्व में और दूसरा जो है द्वितीय संगति जो कि देवर्थी क्षमा समन के नेतृत्व में गुजरात के बल्लभी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैन लिटरेचर को लेकर के हम चर्चा कर लेते हैं। जैन लिटरेचर, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, जैन साहित्य को आगम कहकर के कहा जाता है और यहां से जो है जेपीएससी में जो है पूछा गया था प्रश्न कि आगम का संबंध किसके साथ है, तो याद रखिएगा जैन साहित्य के साथ आगम का संबंध है। 12 अंग है जैन धर्म में, जो है 12 अंग है, उन 12 अंगों के नाम यहां दिए गए हैं और इसके साथ साथ यहां कुछ अंग के नाम जो है आप आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, इसके साथ साथ जो है उवास दशाओं सूत्र, इनको जो है याद कर लीजिए, इनका संबंध जो है जैन साहित्यों के साथ है या जिन्हें आगम कहते हैं। इसके अलावा 12 उपांग भी पाए जाते हैं। उपांगों में क्या है ना, उपांगों में प्राणी, विश्व, खगोल विद्या, काल विभाजन इत्यादि का जो है ज्ञान प्राप्त होता है। तो 12 अंग के बाद 12 उपांग भी बने। इसके साथ साथ 10 प्रकीर्णन भी है, ये क्या है ना, जैन ग्रंथों के परिशिष्ट हैं। 6 छेद सूत्र भी बने, ये विधि नियमों को जो है 6 सूत्र में संकलित किया गया है और इसके साथ साथ जो है 4 मूल सूत्र हैं। 4 मूल सूत्रों में क्या रखा गया ना, इनमें उपदेश, बिहार या संघ के जीवन के नियम, कर्तव्यों का संकलन किया गया है। ये 4 मूल सूत्र में जो है संकलित किया गया है। साथ में नंदी सूत्र या अनुयोग द्वार क्या है, नंदी सूत्र या अनुयोग द्वार को विश्वकोश माना जाता है, इनमें आचरणीय नियम है, साथ में लौकिक विवरण भी हमें प्राप्त होता है। तो नंदी सूत्र अनुयोग द्वार को लेकर भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये थे जैन लिटरेचर। तो चलिए एक बार फिर से ईगल आईएएस द स्टडी जोन में जुड़ना ना भूले, जेपीएससी, जेएसएससी और इसके साथ साथ जेपीएससी सीडीपीओ, झारखंड के डिफरेंट एग्जाम के लिए जो यहाँ क्लासेस बराबर दी जाती है। आपको हमें क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है और लाइक करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।